नमस्कार दोस्तों, हिना दिखे चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम पैंगोंग से निकलकर सरचू में स्टे करते हैं और सरचू में एक बहुत ही ठंडी रात गुजारने के बाद आज हम जा रहे हैं मनाली, जो कि यहां से 200 से 250 किलोमीटर दूर है अप्रॉक्सीमेटली। और आज हमारे पास भरपूर समय है तो हम मनाली की वादियों को इन्जॉय करते हुए रास्ते भर पूरा इन्जॉय करते हुए जाएंगे। सो सरचू से मनाली तक का सफ़र की सारी इन्फॉर्मेशन देने की मैं आपको कोशिश करूँगी, सो स्टे ट्यून विद मी। तो ये है हमारा सरचू का चेक पोस्ट, जहाँ पर आपको गाड़ियों की एंट्री होती है, आपकी गाड़ी कौन सी है, कितने मेंबर्स हैं और कहाँ से आ रहे हैं एंड ऑल। तो ये सरचू के बिल्कुल बोर्ड के पास ही आपको मिलेगा चेक पॉइंट। तो हम सरचू से लगभग 9:30 बजे करीब निकलते हैं और वेदर जो है काफ़ी साफ था आज का, पर रात में काफ़ी ठंड थी सरचू में। बट मैं आपको सरचू के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि हाइक पर होने की वजह से जैसे जैसे रात बढ़ती है यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप जिस्पा या किलोंग में ही रुकने का ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, सरचू केवल लंच ब्रेक तक के लिए ही अच्छा है। तो सरचू से निकलने के बाद लगभग 35 किलोमीटर के बाद आता है बारा लाचला पास, जो अपने आप में ही एक ऊंचा दर्रा है और जिस्पा और सरचू के बीच में पड़ता है। इसकी हाई रोहतांग पास से भी 1000 फीट ज़्यादा है। बारा लाचला पास की हाइट 4850 मीटर है और ये बहुत ही ठंडा पास है, मतलब यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवाएं चलती हैं और खूबसूरती के तो क्या ही कहने। बारा लाचला पास के बाद लगभग 5 मिनट के डिस्टेंस के बाद ही मींस आफ्टर जस्ट बारा लाचला पास आता है सूरज ताल, जो अकी अगेन एक बहुत ही अमेजिंग लेक है। इसका वाटर भी पैंगोंग लेक की तरह क्रिस्टल क्लियर है, जो कि बहुत ही अमेजिंग झील थी और बहुत ही खूबसूरत। और विंटर में भी ये झील पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। और यहाँ पर कुछ अच्छा समय स्पेंड करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे, और आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं यू डोंट बिलीव, या आप कह सकते हैं कि ये हमारी खुशकिस्मती थी कि जिंगजिंगबार के पास मौसम तो थोड़ा सा खराब हो रहा था, बट हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हमें स्नोफॉल मिलेगी, जिसे देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि लेह लद्दाख ट्रिप में यदि आपको ऐसा मिल जाए तो क्या ही कहने। और ये स्नोफॉल जो है इतनी क्वांटिटी में भी नहीं हो रही थी, तो हमने अपनी गाड़ी को साइड पर लगाई और स्नोफॉल का आनंद लिया। ये स्नोफॉल लगभग 10 से 15 मिनट बाद रुक गई थी, मतलब इतनी ही हुई, और ये हमारे लिए अच्छी बात भी थी क्योंकि आगे का सफ़र भी हमें तय करना था और ये साफ मौसम के साथ ही पॉसिबल था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे पास भरपूर समय था, तो हमने सोचा था कि हम हर एक पॉइंट का बहुत ही अच्छे से इन्जॉय करते हुए जाएंगे और वादियों का भरपूर इन्जॉय करते हुए जाएंगे, और वो हमने किया भी। और यहाँ पर लगभग 30 से 35 मिनट हमने इन्जॉय किया, क्योंकि अब बहुत दिनों बाद हमें आगे ग्रीनरी देखने को मिलनी थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर। आगे लगभग 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद ही अगेन हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक देखने को मिलती है, जिसे दीपक ताल लेक आ जाता है। मतलब बारा लाचला पास के बाद है सूरज ताल लेक और उसके बाद आता है दीपक ताल लेक, जो कि अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। पहले यहाँ पर बहुत कम लोग आते थे, ये इतनी एक्सप्लोर नहीं थी, बट अब लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, बट हम यहाँ ज़्यादा नहीं रुकते और 5 मिनट बाद ही हम निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र की ओर। और दाचा के बाद अगेन आपको एक चेक पॉइंट मिलता है, जहाँ पर अगेन आपकी गाड़ी की एंट्री होती है। फिर आगे ये आता है चंद्रा ब्रिज, चंद्रा रिवर के ऊपर बना है ये ब्रिज और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है। बीआरओ का दावा है कि ये मनाली लेह हाईवे का सबसे लंबा पुल है, और ये है भी। इस पुल की लंबाई लगभग 100 मीटर और चौड़ाई लगभग 12 मीटर है, और यह पुल रिकॉर्ड समय में 1.5 महीने में ही बनकर तैयार किया गया था। लगभग 1.5 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं जिस्पा, जहां हमें थोड़ी भूख सी फील तो हो रही थी, बट हमने सोचा कि लॉन्ग पर ही आराम से रुककर वहां लंच किया जाए। लाहौल वैली का सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल टाउन आप कह सकते हैं किलोंग और जिस्पा को, जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही इजीली और सही रेट पर अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों में से एक जगह रुकने को रेकमेंड किया था। लगभग आधे घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं किलोंग, जहां पहुंचकर हम करते हैं लंच और लंच करने के बाद निकल पड़ते आगे के सफर की ओर। और ये है टांडी ब्रिज, जो कि लगभग 3 किलोमीटर के बाद आता है, और इस टांडी पे भागा रिवर चंद्रा रिवर का संगम होता है। यह है टांडी का पेट्रोल पंप। पहले टांडी के पेट्रोल पंप के बाद सीधा लेह में ही आपको पेट्रोल पंप मिलता था, बट अब इजीली आपको 2-3 जगह पेट्रोल जो है अवेलेबल हो जाता है। टांडी से लगभग 6 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाते हैं वर्ल्ड की हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट टनल
अटल टनल, जिसकी हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी देखने की, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मॉर्निंग से ही थी। तो जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं, हम अपनी गाड़ी थोड़ी साइड पर लगाते हैं टनल के बिल्कुल सामने और फोटोग्राफी करने लग जाते, क्योंकि हमने सोचा कि क्या पता हमें अटल टनल के बिल्कुल पास ना रुकने दिया जाए। बट वहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई थी और काफ़ी क्राउड भी था, बट हमने यहीं खड़े होकर कुछ फोटोग्राफी की। जैसे जैसे हम टनल की ओर बढ़ते हैं, एक अलग सी ही वाइब्स आ रही थी, बहुत ही प्राउड सा फील हो रहा, जिसे वर्ड्स में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट जब आप पर्सनली यहाँ आएंगे तो सीरियसली आप ये खुद फील करेंगे। तो हैट्स ऑफ हाइट BRA की टीम को और सैल्यूट है हमारी BRO की टीम को, जिसने सभी तरह की वेदर कंडीशन को फेस करके ये बहुत ही ब्यूटीफुल टनल हम सब देशवासियों के लिए बनाई। ड्यू टू दिस टनल लेह का और मनाली का जो डिस्टेंस है वो 46 किलोमीटर तक रिड्यूस हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ टाइमिंग्स की, तो उसमें भी 4 to 5 आवर्स की रिडक्शन हो जाती है। एंड इट कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि पहले 6 महीने के लिए जो कनेक्शन है स्पीति वैली का और लेह का बिल्कुल दुनिया से कट सा जाता था ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। बट इस टनल के बनने के बाद अब पूरा साल ये कनेक्ट रहता है पूरी दुनिया के साथ। सो अगेन हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट टू आर BRO टीम। इस ब्यूटीफुल टनल को क्रॉस करने के बाद मनाली से लगभग 14 किलोमीटर दूर हम पहुंच जाते हैं वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट सोलांग वैली। और सोलांग वैली को देखने के लिए हर साल भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं इस खूबसूरती को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ जो ब्यूटी है वो अपने आप में ही अल्टीमेट है। यहाँ पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, घुड़सवारी, हर तरह के स्पोर्ट्स हर एज ग्रुप के लोगों के लिए यहाँ अवेलेबल है। विंटर्स में यह पूरी वैली बर्फ से ढक जाती है, जो स्कीइंग करने के दीवाने हैं वो इसका मजा विंटर में ले सकते हैं, यह उनके लिए परफेक्ट प्लेस है। और इस एक्टिविटी का अगर आप लुफ्त उठाना चाहते हैं तो विंटर्स में दिसंबर टू फरवरी आप यहां आ सकते हैं। मई में जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, ये स्नो एक्टिविटीज, रोप वे, पैराग्लाइडिंग आदि में तब्दील हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ टाइमिंग्स की, तो सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक यह सोलांग वैली खुली रहती है और यहाँ आप 3 से 4 घंटे आराम से घूम सकते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। बीर बीजिंग के बाद सोलांग वैली पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, बट हम यहाँ काफ़ी लेट पहुँचते हैं, लगभग 5:30 बजे करीब हम यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत जैम मिला था, तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग ही हो गई थी। रोप वे की तो हमें टिकट्स भी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह लास्ट ग्रुप जा रोप वे का और इसके बाद टिकट्स अवेलेबल नहीं होंगी। बट कोई बात नहीं, हमने यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के साथ कुछ समय स्पेंड किया और हम आउटर मनाली की तरफ चल पड़ते हैं। और अगर आप मनाली आए और मनाली मॉल रोड नहीं घूमे और तो क्या आप है मनाली आए हैं तो शॉपिंग करना तो बनता ही है। तो हम भी पहुंच जाते हैं मनाली के मॉल रोड को एक्सप्लोर करने। काफ़ी क्राउड था, रात तो काफ़ी हो चुकी थी, मतलब लगभग 8:30 बज चुके थे, बट मॉल रोड को शाम की चहल पहल को आपको एक्सप्लोर करना एक अलग ही बात है। तो हम लगभग 2 से 3 घंटे मॉल रोड को एक्सप्लोर करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसके बाद रूम के लिए हम आउटर मनाली ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि मेन मनाली में होटल्स काफ़ी कॉस्टली थे। तो यह था कुछ नज़ारा मॉर्निंग में हमारे रूम से, जो हमें अराउंड 1200 में मिला था रूम, एंड बहुत ही एयरी एंड अच्छा रूम था और नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत थे हमारे रूम से। हमारे रूम के जस्ट बैक साइड सवेब का बहुत ही बड़ा बगीचा भी था और उसमें सेब भी लगे हुए थे। और यह नेक्स्ट डे की वीडियो है दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी सीरीज को इस वीडियो के साथ खत्म करना चाहूँगी। Day 7 में हम पहुँचते हैं हरिद्वार गंगा जी की नगरी, क्योंकि हमने सोचा कि अपने इस लेह लद्दाख के ट्रिप को, जो कि एक बहुत ही अच्छा ट्रिप साबित हुआ, एक अच्छे मुकाम पे आके ही संपन्न करते हैं। तो हमने हरिद्वार में जाके गंगा जी के दर्शन करने का सोचा और हमने वहाँ हर हर गंगे करके डुबकी लगाने का भी सोचा। और हम पहुँच जाते हैं हर की पौड़ी गंगा स्नान करने के लिए, हर हर गंगे। और गंगा जी का जो जल था बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा था, एंड फर्स्ट टाइम मैंने गंगा स्नान किया था, तो सच में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। एंड आई होप आपको ये हमारी लेह लद्दाख सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, हल्द्वानी टू लेह एंड देन लेह टू हल्द्वानी। और हरिद्वार से हल्द्वानी हम पहुंच जाते हैं उसी दिन ही, सेम डे ही। तो यह थी हमारी पूरी जर्नी एंड आई होप यू ऑल्सो एन्जॉयड इट अ लॉट। अगर आपको लेह लद्दाख ट्रिप के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो प्लीज़ डू कमेंट एंड श्योरली आई रिप्लाई टू यू विथ फुल इंफॉर्मेशन।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट अमेजिंग जर्नी के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।